नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। चूरू जिले के राजल देसर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021 के तहत NFSA कार्ड धारकों के जनाधार मैपिंग के लिए हनुमान सदन में राशन डीलरों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। रसद विभाग के EI संपत राम ने कहा कि राजल देसर में कुल 1725 परिवारों के KYC फार्म आए हैं, जिनका जांच का कार्य जारी है। विभाग के BSO ने राशन डीलरों को प्रपत्र के बारे में पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021 के अनुसार NFSA कार्डधारी जो है उनकी जनाधार से मैपिंग करवाने के लिए राजल देसर शहरी क्षेत्र का चयन हुआ है, जिसके अंदर 1725 परिवारों के KYC फॉर्मेट आए हुए हैं। उनकी जनाधार से मैपिंग करने के लिए आज यहां प्रशिक्षण हनुमान सदन में आयोजित किया गया, जिसमें संपत जी EI सर हैं और हमारे जो सूचना सहायक हैं दो, उन्होंने राशन डीलरों को बताया कि अपने को प्रपत्र कैसे भरवाने हैं। तो सितंबर महीने में जब भी राशन डीलर लोगों को राशन बांटेंगे तो उनसे जो उनके KYC प्रपत्र हैं वो सही करवाएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भारतीय जनता पार्टी मंडल बाड़ी ने बूथ स्तरीय स्वास्थ्य स्वयं सेवकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला सुमित्रा मेरीज गार्डन में हुई। कोविड काल में स्वास्थ्य स्वयं सेवकों के किए गए कार्य और दूसरी लहर में भारतीय जनता पार्टी के सेवा के कार्यों के बारे में बताया गया। कार्यशाला में स्वयं सेवकों को इसकी पूरी जानकारी दी गई। चूरू जिले के राजल देसर के मालासी बास में गोगाजी महाराज का जागरण हुआ। जागरण में सुप्रसिद्ध कलाकार अमृत राजस्थानी और हनीफ नागौरी ने गोगाजी महाराज के भजनों से श्रोताओं को देर रात तक बैठे रहने पर विवश कर दिया। वहीं तुलसीराम पांडे ने मेहमानों का स्वागत किया। राजसमंद जिले में जयपुर CID क्राइम ब्रांच और राजसमंद जिला पुलिस ने कार्रवाई कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। भीम पुलिस उप अधीक्षक हेमंत नोगिया ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने संभूरिया गांव के पास नाकाबंदी कर एक स्कॉर्पियो को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चालक ने नाकाबंदी तोड़ते हुए भागने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी के टायर को ब्रस्ट कर दिया गया, जिससे तस्करों की गाड़ी पलट गई। मौके से 3 तस्करों को दबोच लिया। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में चंगोई चौराहा पर एक राजस्थान रोडवेज बस की टक्कर से चंगोई निवासी युवक की मौत हो गई। अपने ससुराल सहवा जाने के लिए मृतक वाहन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान राजस्थान रोडवेज के बस चालक ने तेज गति और लापरवाही से बस चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। 1/9/2021 के वक्त करीब 3 बजे के आसपास की बात है, मैं गश्त ड्यूटी में था तो मुझे सूचना मिली कि चंगोई फंटे के पास राजस्थान रोडवेज के एक युवक के लापरवाही से टक्कर मारने एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचा राजस्थान रोडवेज के चालक द्वारा एक 30 वर्षीय युवक जिसका नाम जय सिंह मेघवाड़ निवासी चंगोई है, रोडवेज के चालक ने लापरवाही से युवक की टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसकी लाश को मोर्चरूम में लाया जाकर MG साहब से लाश का पोस्टमार्टम करवाया, बाद पोस्टमार्टम लाश वास्ते अंतिम संस्कार मृतक जय सिंह के वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। राजस्थान रोडवेज को वास्ते सुरक्षा थाना परिसर में लाके खड़ा किया गया है। भरतपुर जिले के नंदबई में पंचायती राज चुनाव के तृतीय चरण के मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। नंदबई पंचायत समिति की 26 और जिला परिषद की 4 सीटों के लिए 159 मतदान बूथों पर मतदान हुआ। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और SP देवेंद्र विश्नोई ने दौरा कर लखनपुर, पहरसर और हंतरा मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागौर जिले के रियाबड़ी तहसील के ग्राम झीठिया में आकाशीय बिजली गिरने से 17 बकरियों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर रियाबड़ी तहसीलदार रामकिशोर, विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों ने तहसीलदार से मुआवजा दिलाने की मांग की। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभागीय कार्य की प्रगति की चर्चा करते हुए समीक्षा की। उन्होंने कोविड जन जागरूकता और कोविड का 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश के रतलाम में उत्कृष्ट विद्यालय की गवर्निंग बॉडी की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विद्यालय के विकास और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। कलेक्टर ने विद्यालयों को हाईटेक और अन्य जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ में मंदिर में चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी कृष्ण चंद्र बुनकर ने बताया कि 21 अगस्त की रात्रि को अज्ञात बदमाश चोरों ने आदिनाथ जैन मंदिर से चांदी के सिक्के, चांदी का हार और दान पात्र तोड़कर हजारों की नकदी चुरा ले गए थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।